हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लकी एट इट इज़। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के न्यू कंसेप्ट की तरफ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले आप अपने पिक्सआर्ट ऐप को कर लेंगे ओपन। पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करने के बाद आप यहां से अपनी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ इसी टाइप में आपने यहाँ से अपनी फ़ोटो को कर लेना है सिलेक्ट। इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि ऐड फ़ोटो में चले जाएंगे और यहाँ से आप अपनी एक PNG को लेके आ जाएंगे जो कि कुछ इस टाइप में रहने वाली है, और हम इसे स्क्रीन पे इस टाइप में एडजस्ट कर देंगे और इरेज में चले जाएंगे और यहाँ से इन्वर्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे और कुछ इस टाइप से आपने सेटिंग कर देना। इतना हो जाने के बाद अभी आप यहां से कर देंगे डन और चले जाएंगे ऐड फोटो में और यहां से आप अपने PNG को लेके आ जाएंगे कुछ इस टाइप में और इन्हें आप टॉप कैसे में एडजस्ट कर देंगे यहां। इतना करने के बाद आप फिर से ऐड फोटो में चले जाएंगे और अपने लास्ट वाले PNG को लेके आ जाएंगे जो कि कुछ इस टाइप में रहेंगे लेंस और टेक्स्ट वाला PNG। तो हमें टेक्स्ट वाले PNG को अपने मॉडल के ऊपर बिल्कुल लगा देंगे कुछ इसी टाइप में और साइड जैसे में आप इसे एडजस्ट कर देंगे। और उसके बाद आप लेंस वाले PNG पे ब्लेंडिंग ऑप्शन जाएंगे और स्क्रीन कर देंगे इसे भी बिल्कुल अपने टॉप टेक्स्ट PNG के बिल्कुल साथ में और यहां से कर देंगे डन। और फिर चले जाएंगे आप इफेक्ट्स में और इफेक्ट्स में जाने के बाद आप आर्टिस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। आर्टिस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप लास्ट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे जो कि सेकेंड लास्ट में रहेगा और यहाँ पे कर देंगे आप कुछ इस टाइप से सेटिंग को एडजस्ट जो कि 61 के आसपास आप इसकी ऑपेसिटी को कर देंगे इंक्रीज और कर देंगे यहाँ से डन। और फिर चले जाएंगे आप ड्रॉ वाले ऑप्शन में। ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप अपनी पिक को कर देंगे यहाँ गैलरी में सेव कुछ इसी टाइप में। फिर सबसे लास्ट में आप अपनी लाइटरूम ऐप को कर लेंगे ओपन और कर देंगे अपनी पिक को यहाँ पर ऐड। यहाँ पर ऐड करने के बाद आप अपनी पिक को कर देंगे यहाँ से सिलेक्ट कुछ इसी टाइप में आपने सिलेक्ट कर देना है और चले जाएंगे आप लाइट्स वाले ऑप्शंस में और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की ऑपेसिटी को कम कर देंगे और हाईलाइट की ऑपेसिटी को आपने ज़्यादा कर देना है कुछ इस टाइप में। और फिर जाएंगे आप कलर्स वाले ऑप्शन में और बैकग्राउंड्स को आप इंक्रीज़ कर देंगे कुछ इसी टाइप में और सैचुरेशन को आपने कम कर देना है। फिर आप ग्रेडिंग वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और लुमिनेंस को कम कर देंगे और ब्लेंडिंग को इंक्रीज़ और बैलेंस को भी कम यहाँ से कर देंगे डन। फिर जाएंगे आप मिक्स वाले ऑप्शन में और कुछ इस टाइप से आपने सेटिंग को एडजस्ट कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फोटो और भी ऑसम दिख रहा है इस वाले इफेक्ट को ऐड करने के बाद। अगर आपको भी कुछ इस टाइप में ऐड करना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। और इतना करने के बाद आप यहाँ से कर देंगे डन और चले जाएंगे इफेक्ट्स में और यहाँ से टेक्सचर को आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है और क्लैरिटी को आपने कम करना है इसी टाइप में आपने क्लैरिटी को कम और टेक्सचर को इंक्रीज़ कर देना है। और फिर आप क्या करेंगे कि विग्नेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आपने एक अपनी डार्क वाली शेडो दिखा देनी है थोड़ी सी कुछ इस टाइप में और मिड पॉइंट को भी आपने कम कर देना है। फिर आप क्या करेंगे कि चले जाएंगे आप इस वाले ऑप्शन में और यहाँ शार्पिंग वाले ऑप्शन में जाके इसे इंक्रीज़ कर देंगे। और अब देख सकते हैं हमारा फोटो बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसे गैलरी में सेव कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।